हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चंदन शर्मा। तो जैसे कि मैं जैसे आप लोगों को एक एक चीज़ का अपडेट दे रहा हूँ कि उड़ीसा जेई काउंसलिंग का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब उसका रिजल्ट आ रहा है, कब से उसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही अगर कुछ आता है नोटिफिकेशन तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आप तक वो अपडेट पहुंच जाएगा। तो जैसे कि बहुत सारे छोटे भाई बहनों का डिमांड आ रहा था कि भैया मुझे CSE का अच्छे कॉलेज के बारे में बता दो जो उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है, तो मैं कुछ अच्छे कॉलेज मैंने पूरा फिल्टर किया है उड़ीसा का, और उसके बाद मैंने 7 अच्छे कॉलेज निकाला है जहाँ पर आपको अच्छे पैकेज मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर पढ़ने का प्लानिंग है उड़ीसा जेई के अंदर में, मीन्स किसी का प्लान है अगर उड़ीसा के साइड में पढ़ने के लिए, चाहे जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जो भाई बहन उड़ीसा में रह के पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो उड़ीसा के बाहर के फ्रेंड हैं उनके लिए जो कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया वो भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम डिस्कस करते हैं, समय को ना गवाए हुए हम समय कॉलेज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला कॉलेज है, मैंने इसे अपने चैनल पर वीडियो बना रखा है, इसका नाम है CET भुवनेश्वर। इसको कहते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। ये जो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आउटर नहीं, मीन्स इनसाइडर इसमें अप्लाई करेंगे। इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है, जो मैं हर जगह से पता किया, जो वहाँ के बच्चे पढ़ के भी निकल चुके, जो पढ़ रहे हैं उनसे भी मैंने पता किया, तो जो हाईएस्ट पैकेज जो मुझे पता चला अभी तक कंप्यूटर साइंस का जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है वहाँ से 40 लाख रुपये से गया हुआ, 40 लाख रुपये का हाईएस्ट पैकेज उस कैंपस से गया हुआ है। तो दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, दूसरा कॉलेज आपका है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कालाकंडी उड़ीसा भुवनेश्वर। तो ये जो इसमें अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें, तो इसमें जो हाईएस्ट पैकेज गया है आपको 15 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है। तो ये अच्छा पैकेज है, 15 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज से गया हुआ है। इसमें भी अप्लाई करेंगे सिर्फ उड़ीसा के ही बच्चे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा जो कॉलेज मैंने सर्च आउट किया उसका नाम है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग में पड़ता है, ये उड़ीसा में। इसमें जो हाईएस्ट पैकेज जो मैंने सर्च आउट किया, इसका जो हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख रुपये का हाईएस्ट पैकेज इस कैंपस से गया हुआ अभी तक का। जो चौथा कैंपस आता है उसका नाम है CB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया इस कॉलेज के बारे में, सारा कुछ डिटेल सब कुछ पता चल जाएगा। तो CB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पैकेज जो मुझे जो मैंने सर्वे किया यहाँ से, जो BTEC के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए जो गया हुआ 22 लाख रुपये का हाईएस्ट पैकेज है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कॉलेज, तो उसका नाम है गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है, ये कॉलेज जो है आपका प्राइवेट है और CB रमन कॉलेज भी प्राइवेट है, तो यहाँ पर आउटर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो पैकेज गया हुआ हाईएस्ट उसका है 12 लाख रुपये का। उसके बाद अगर बात करें तो गीता कॉलेज भुवनेश्वर, जो कि गांधी का ही पार्ट है, तो इसका भी जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ 10 लाख रुपये का। गीता का फुल फॉर्म है आपका गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट है। तो ये कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख रुपये का। उसका जो आखिरी जो कॉलेज जो मैंने सबसे बढ़िया जो सर्च आउट किया प्राइवेट में, इसमें उड़ीसा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नाम है सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है उसका है 30 लाख रुपया। कितना? 30 लाख रुपया कंप्यूटर साइंस के लिए। तो फ्रेंड, ये रहा कुछ अच्छे कॉलेज उड़ीसा के अंदर में जिसकी पैकेज अच्छा गया हुआ है। ऐसे सारे कॉलेज बढ़िया होते हैं, मैं किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा, बट अगर आपका चॉइस है, किसी को आप ऑप्शन पर रख रहे हो कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ, तो ये 7 ऐसे कॉलेज है जहाँ पर एक अच्छे पैकेज मिल चुका हुआ है। ऐसे कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करो, पैकेज लेना ना देना ये आपके हाथ में होता है, कोई कॉलेज कोई प्लेस नहीं करवाता है, ये प्लेसमेंट लेने की जिम्मेदारी आपकी होती है, कॉलेज सिर्फ कंपनी बुला सकता है। तो आप इस कॉलेज को देख सकते हो, क्योंकि इसके यहाँ फैकल्टी, पढ़ाई, प्लेसमेंट सब कुछ बढ़िया। बाकी और जो कॉलेज बाकी रह गए ऐसा नहीं कि वो खराब है, आप उन कॉलेज में देख सकते हो। बाकी प्लेसमेंट लेने का जो जो मॉडल है वो आपके हाथ में है, ठीक है, कॉलेज सिर्फ कंपनी बुलाएगा। साथ ही साथ और भी कोई जानकारी चाहिए कि भैया किस कॉलेज का क्या कटअप जा सकता है, किस कॉलेज का क्या कटअप गया था लास्ट ईयर, देखो मैं पूरा श्योर नहीं होता, बट उसके अप्रॉक्सिमेटली बता सकता हूँ कि क्या कटअप जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसकी सजेशन ले सकते हो। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आप तक ऐसे ही बहुत सारे उड़ीसा जेई के अंदर के कॉलेज के बारे में मैं रिव्यू, कटअप, उड़ीसा के जेई के एक अपडेट में आप तक पहुंचाते रहूंगा, क्योंकि आप तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं एक एक चीज OG का मैं आपके पास अपडेट करूंगा। फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आपका बड़ा भाई चंदन, बाकी जहां रहो खुश रहो। बाय बाय फ्रेंड।